नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है खामोश से रहते हैं अब मेरे बड़े पापा। रुचि कुछ दिन के लिए मायके आई हुई थी। मम्मी पापा, भाई भाभी और भतीजे भतीजियों के बीच समय का पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन रुचि ने कहा, मम्मी मैं बड़े पापा और बड़ी मम्मी से मिलने जा रही हूँ, आप चलोगी क्या? सुनंदा जी ने प्रश्नवाचक निगाहों से अपने पति राजेंद्र जी की तरफ देखा। राजेंद्र जी ने कहा, रुचि तुम चली जाओ, हम लोग बाद में चले जाएंगे। रुचि ने कहा, ऐसी क्या बात है जो आप लोग बड़े पापा के यहाँ जाने से कन्नी काट रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, राजेंद्र जी ने मुस्कान से कहा। कुछ तो अटपटा सा लग रहा था, लेकिन उसने इस बात को तूल नहीं दिया और अपने बड़े पापा के घर आ गई। अपना घर, उसका अपना घर, जहाँ बचपन बीता था और जिस घर से उसकी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई थी। बड़े अधिकार से अंदर गई। सामने जो देखा तो रुचि की आंखों में आंसू आ गए। बड़े पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत ही कमजोर लग रहे थे। रुचि ने गले से लगाकर कहा, राम राम बड़े पापा, कैसे हो आप और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? पंकज जी बोले, अरे बिटिया, बुढ़ापे का शरीर है, अब मांस तो चढ़ने से रहा और उठकर बैठ गए। अंदर से बड़ी मम्मी आ गई, गले लगाकर कहने लगी, क्या बिटिया, एक फोन तो कर दिया होता, मैं कुछ बनाकर रख लेती। 15 दिन पहले बात हुई थी, तब तो तुमने कुछ नहीं बताया कि तुम आ रही हो। रुचि मुस्कुराकर बोली, बड़ी मम्मी अगर मैं बता देती तो मुझे हकीकत कैसे पता चलती? आप और बड़े पापा किस स्थिति में रह रहे हो यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बड़ी मम्मी, बड़े पापा इतने कमजोर कैसे हो गए? इनको कितनी खांसी आ रही है, आप इलाज करवा रही हैं ना? रमा जी बोली, बिटिया इलाज तो बहुत करवाया है, लेकिन खांसी जाने का नाम ही नहीं ले रही। डॉक्टर ने उनकी जांच के लिए कहा है, कल वो भी करवा लूंगी। रुचि ने कहा, बड़ी मम्मी आप उधर से अमन भाई को क्यों नहीं बुला लेती, डॉक्टर को दिखा देती? रमा जी चुप रह गई, फिर धीरे से कहा, बेटा अमन अपनी दुकान देखता है, उसके पास फुर्सत नहीं है, वह व्यस्त रहता है। 15 दिन पहले आया था, तब तुम्हारे बड़े पापा बिल्कुल ठीक थे। रुचि को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। पापा मम्मी किसी को चिंता नहीं बड़े पापा और बड़े मम्मी की, यही बड़े पापा हैं जो अमन को गोदी में उठाकर लेकर घूमते रहते थे। जरा सी डांट पड़ती थी तो बड़े पापा गुस्सा होकर कहते, कोई कुछ भी ना कहो मेरी लाडो को, यह मेरी सोन परी है। रुचि को एक एक कर सारी बातें याद आने लगी और वहीं सोफे पर बैठ गई। बड़ी मम्मी ने कहा, बेटा मैं चाय बना कर लाती हूँ। रुचि ने अपनी बड़ी मम्मी को अपने पास सोफे में बिठा लिया और बोली, आप बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। किचन में गई तो किचन की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जो बड़ी मम्मी कभी भी एक चीज इधर उधर नहीं होने देती थी, आज उनका किचन बिल्कुल अलग कहानी कह रहा था। रुचि ने चाय बनाई और नाश्ता लगाकर ले आई। सबने चाय नाश्ता किया, फिर पुरानी बातें होने लगी। बड़े पापा थोड़ा खुश नजर आ रहे थे। रुचि ने कहा, अब मैं किचन जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। उसने सब व्यवस्थित कर दिया। बड़ी मम्मी ने हंसकर कहा, बिटिया शरीर साथ नहीं देता, इसीलिए काम कम कर पाती हूँ, तुम परेशान हो रही हो। रुचि ने कहा, बड़ी मम्मी इसमें परेशानी की क्या बात है, क्या मैं नहीं जानती हूँ आप अपनी उम्र पर घर को कैसे चमका कर रखती थी? मैं जरा भी घर गंदा कर देती तो आप कितना गुस्सा होती थी और हमेशा यही कहती थी, घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो, पता नहीं कब कौन आ जाए। पता है बड़ी मम्मी, आपकी यह बात मैंने गांठ बांध कर रख ली, कोई मेरे पीछे भी मेरे घर आ जाए तो मेरा घर व्यवस्थित ही मिलेगा। बड़ी मम्मी बोली, अच्छा मेरी लाडो तो बहुत समझदार है। रात होने लगी तो उधर से मम्मी का फोन आया, मैं भाई को भेज दूं, तुम वापस आ जाओ।
यह खबर सुनकर बड़ी मम्मी और बड़े पापा दोनों उदास हो गए। रुचि बोली, नहीं मम्मी, आज मैं यहीं रहूंगी, अपने पुराने घर में, अपनी बड़ी मम्मी और अपने बड़े पापा के साथ। और आप लोग परेशान मत हो, कल मैं टैक्सी से वापस आ जाऊंगी। रुचि ने पूछा, बड़ी मम्मी, अंगद काका कहाँ चले गए? वह तो परमानेंट आप लोगों के साथ रहते थे ना? पिछली बार जब मैं आई थी तो उन्होंने कितनी स्वादिष्ट हाथ की रोटियां बनाकर खिलाई थी। बड़ी मम्मी बोली, वह कुछ दिनों के लिए अपने गांव गए हैं, इसीलिए ज्यादा परेशानी हो रही है। अंगद भैया रहते हैं तो सामान लाने में कोई दिक्कत नहीं रहती। रुचि ने कहा, बड़ी मम्मी, मैं अभी सारा सामान ऑर्डर कर देती हूँ, क्या क्या चाहिए, और सब चीज तो ऑनलाइन आ जाती है, सब्जियाँ, फल, ग्रोसरी का सामान। मैं आपके मोबाइल में भी यह ऐप डाउनलोड कर दूंगी और आप मंगा लिया करना। अंगद काका को भी क्यों परेशान करना, वो भी तो बूढ़े हो गए हैं। रमा जी ने कहा, नहीं बिटिया, हमें ऑनलाइन सामान नहीं चाहिए, सब्जी वाले, फल वाली, किराने वाले सब पुराने लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से सामान दे जाते हैं और रोज का फल सब्जी ताजी आ जाती है, ऑनलाइन का सामान लेने से इन लोगों को नुकसान होगा। रात का खाना खाकर सब लोग बैठे तो रुचि ने पूछा, बड़ी मम्मी, सच बात बताओ, बात क्या है? आज जब मैं मम्मी पापा को आने के लिए कहने लगी तो वो चुप हो गए। लोग तो आपकी और मम्मी की मिसालें दिया करते थे और कहते थे ये दोनों देवरानी जेठानी तो कम, बहनें ज्यादा लगती हैं। और पापा भी तो बड़े पापा को हमेशा राम जी का दर्जा देते थे और कहा करते थे, मेरे भैया तो मेरे लिए भगवान है। जिस परिवार में इतनी एकता थी उसमें कुछ दिनों में ऐसी क्या बात हो गई? बड़ी मम्मी ने बताया, बिटिया बात कुछ भी नहीं, बस बात इतनी सी है कि आज की पीढ़ी जैसे तैसे अपने सास ससुर को तो रख लेते हैं, लेकिन ताऊ ताई का कौन करे। एक दिन अमन की बहू गुस्सा होने लगी थी और उसने एक दिन गुस्से में आकर यह कह दिया कि क्या मैं सबकी सेवा के लिए बनी हूँ, मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है। यह बात उसने धीरे से कही थी लेकिन मैंने सुन ली थी। अब मैं कुछ कहती तो बिना मतलब का बवाल बनता और राजेंद्र भैया और सुनंदा भी कभी अलग रहने के लिए तैयार नहीं होते, वह दोनों बहुत दुखी हो जाते। इसीलिए हम लोगों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि हम लोग पुराने घर में रहते हैं और नए वाले फ्लैट में वह लोग शिफ्ट हो जाए। अब हमारा सहारा सिर्फ ऊपर वाला है, वह जैसे चाहेगा वैसे रखेगा। इतना कहकर रमा जी उदास हो गई, पंकज जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। रुचि ने हाथ पकड़कर कहा, बड़ी मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? हम भी तो हैं, क्या आप लोग हमारे साथ नहीं रह सकते? आपने और बड़े पापा ने जितना ममता और स्नेह मुझे दिया है उसका एक हिस्सा भी हम नहीं लौटा सकते, लेकिन अगर आप लोगों की कुछ सेवा कर लेंगे तो हो सकता है मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए। अब आप लोग ना नहीं कहेंगे। रमा जी ने कहा, नहीं बिटिया, क्या बेटी के ससुराल में हम लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा, चार लोग क्या कहेंगे? रुचि ने कहा, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे बड़ी मम्मी, और फिर कोई कुछ भी कहेगा तो हम उन्हें कहने का मौका थोड़ी देंगे। बड़े शहरों में कोई किसी से इतना मतलब नहीं रखता है, और मैं आपसे परमानेंट रहने के लिए तो कह नहीं रही हूँ। जब तक आपका मन लगेगा रहिएगा, जब बड़े पापा ठीक हो जाएंगे तो आप लोग वापस आ जाइएगा। दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टर हैं और मैं अनुराग जी से कह कर बड़े पापा का एम्स में अपॉइंटमेंट ले लूंगी, आप लोग परसों हमारे साथ चलेंगे। बड़ी मम्मी बड़ी कृतज्ञता से रुचि को देखते हुए बोली, बिटिया तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बचपन में भी ऐसी थी, कभी एहसास ही नहीं होने देती कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। हो सकता है आज मेरे बच्चे होते तो वो भी मेरे लिए इतना ही करते जैसा तुम कर रही हो। क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी औलाद नहीं है, हमारी बिटिया तो बेटों से भी बढ़कर है। और आगे बढ़कर रमा जी ने रुचि का माथा चूम लिया और दो बूंद आंसू रुचि के गालों पर टपक गए। इन आंसुओं में न जाने कितनी बातें, कितनी भावनाएं बिना कहे व्यक्त कर दी गई। उधर जब मम्मी पापा को यह बात पता चली तो वो भी बहुत खुश हुए।
और बस यही कहा, बेटा जो हम लोग नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। रुचि ने बस इतना कहा, खामोश से रहते हैं अब मेरे बड़े पापा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।